वेलकम टू IGM कोचिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे चैनल का नाम दोस्तों बदल चुका है। हमारे चैनल का नाम दोस्तों हमारा सरकारी गवर्नमेंट जॉब हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले इस वीडियो में हम लोग CET परीक्षा के दोस्तों आंसर की के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि हाल ही में हमारी CET परीक्षा 2018 संपन्न हुई है और दोस्तों आपकी आंसर की कब तक आ सकती है ऑफिशियली यहाँ पर जानेंगे। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। देखिए यहाँ बताया गया है नीचे दोस्तों इस न्यूज है, CBSE की ओर से आयोजित केंद्रीय शिक्षित पात्रता परीक्षा रविवार को दोस्तों देश भर के 92 शहरों में सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। अब परीक्षा की दोस्तों आंसर की इस सप्ताह और अगले सप्ताह जारी हो सकती है। देखिए अभी कोई क्लियर डेट नहीं है यहाँ पर, लेकिन इस सप्ताह या फिर अगले सप्ताह यहाँ पर आंसर की आ सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से कोई इसकी जानकारी नहीं है। इसके लिए भर्ती CET परीक्षा की वेबसाइट दोस्तों यहाँ पर CET.NIC.IN पर यहाँ पर जा सकते हैं और इसकी जानकारी आप ले सकते हैं कब इसका ऑफिशियली आंसर की आएगी। और दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों कि इस बार दोस्तों 2144 केंद्रों पर यहाँ पर परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके अलावा ऑफिशियली नोटिफिकेशन की माने तो उम्मीदवार 500 रुपये के डिमांड ड्राफ्ट की दोस्तों जमा करके अपनी OMR सीट की फोटो कॉपी ले सकते हैं। दोस्तों आपको ये करना पड़ेगा, 500 रुपये लगेंगे तो आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट जमा करके आपको OMR सीट की दोस्तों फोटो कॉपी दी जाएगी। और दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि इस बार दोस्तों बहुत से क्वेश्चन CET में दोस्तों बहुत ही गलत क्वेश्चन आए हैं, बहुत ही आंसर गलत हैं। दोस्तों यहाँ पर गलत और अंग्रेजी में कई लोग यहाँ पर सवाल दोस्तों दिक्कत करते रहे अभ्यर्थियों को दोस्तों, तो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। ठीक है दोस्तों, यह बताया गया है कि दोस्तों कुछ आपके दोस्तों क्वेश्चन थे वो इसमें गलत भी आए हुए थे। ठीक है दोस्तों, अभी आपको पता होना चाहिए कि आपकी आंसर की कब आने वाली है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।